हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, उन लेवल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में हम कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में भी। दोस्तों, रेगुलरली आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड भी वीडियोस यहां पर मिलते रहेंगे। हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियोस आप तक रोज रात को 9 बजे तक पहुंच जाएं। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो स्टार्टिंग विद द इंडिया विक्स, इंडिया विक्स में आज हमें अच्छी खासी छलांग देखने को मिली, अच्छी खासी गेन देखने को मिली थी जब ये हाई पॉइंट पे था 33.24, और जब ये 33.24 उस टाइम पे था, उसी टाइम पे निफ्टी अपने लोअर लेवल्स पे जा रहा था, निफ्टी गिरने के चक्कर में था उस टाइम पे। सो एग्जैक्टली हुआ क्या आज? आज के दिन में हमने 76 पॉइंट्स का गेन दिखाया है इंडिया विक्स के अंदर में। एंड बहुत ही कम समय ऐसा होता है साल के अंदर में देखने के लिए जहां पे इंडिया विक्स अगर प्लस में हो तो बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी भी आपको ग्रीन में देखने को मिले। आज के दिन में हमें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ग्रीन में देखने को मिला। कल के वीडियो में हमने ये एक्सपेक्टेशन किया था, और जो जिस तरह से न्यूज फ्लो हो रहा था, क्लियर कट इंडिकेशन था कि मार्केट जो है वो ग्रीन में क्लोज होगा, एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए हमें मिलेगा और बॉटम से आपको बाइंग ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो बेसिकली वही हुआ। निफ्टी 50 के अंदर में आज हमें 6.95 नॉमिनल गेन है, पर 6.95 पॉइंट्स का गेन देखने को मिला है। बट अगर हम बात करें इंट्राडे ट्रेड के बारे में, इंट्राडे स्विंग के बारे में, सो निफ्टी में लो ऑफ 10,334 और हाई ऑफ 10,545, लगभग 210 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें स्विंग देखने को मिला इंट्राडे के अंदर में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी है 26,272, मिड लो ऑफ 26,234 एंड हाई ऑफ 26,791, लगभग 560 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। पर दोस्तों, जो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि 10,500 के ऊपर का हम 545 पे जाने के आने के बाद में भी हमने 10,458 पे क्लोजिंग दी है, सिर्फ और सिर्फ 6.95 पॉइंट्स ही हम गेन करके क्लोजिंग दे पाए हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर में 560 पॉइंट्स का मूवमेंट के बाद में भी हम यहाँ पे 25.20 पॉइंट्स का ही गेन के साथ में क्लोजिंग दिए हैं। एक बिट नेगेटिव काइंड ऑफ ये मैसेज जाता है बेसिकली। सो क्लोजिंग इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं दिख रही मुझे। सो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी अभी भी प्रॉफिट बुकिंग, जो अभी ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुकिंग अभी भी वहां से देखा जा रहा है। सो रिस्क है, क्लोजिंग अभी इतनी कॉन्फिडेंट वाली नहीं हुई है। बात कर लेते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो कल के वीडियो में मैंने बहुत ही क्लियर कट बोला था कि यस बैंक के अंदर मैंने मेरी पोजीशन बनाई है। इनफैक्ट आज के दिन में यस बैंक ने अपर सर्किट लगाया था 24.40 का, आफ्टर दैट 28.80 के आसपास में आज क्लोजिंग दिया है। आज मैंने यस बैंक को और भी एडिशन किया है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको 40 रुपए के आसपास का लेवल कुछ एक आध दो हफ्तों के अंदर में दिखा देना चाहिए। अभी आपको मालूम है यस बैंक के ऊपर में जिस तरह से रोक लगी हुई है, 50,000 रुपीज का जो लिमिट लगाया हुआ है वो भी निकालने की बात हो रही है एस बी आई की तरफ से। सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज है यस बैंक के लिए, कुछ इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एस बी आई की तरफ से ऐसा न्यूज आ रहा है। सो एक अच्छा माहौल बन रहा है यस बैंक के लिए, हो सकता है आपको 40 के ऊपर का लेवल एक दो हफ्ते के अंदर में दिखाए। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यस बैंक बढ़िया है फिलहाल। बात कर लेते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, इंट्राडे में मॉर्निंग जब मैंने व्यू दिया था मेरा बैंक निफ्टी के ऊपर में, सो उसमें मैंने क्लियर कट बोला था कि 25,000 पीई में सेल करके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि टूटेगा आज के दिन में। सो मैंने 25,000 पीई मैंने सेल किया था, 67 के रेट में कुछ सेल हुआ था, एंड उसके अंदर मैंने बाद में प्रॉफिट बुकिंग की। एट द सेम टाइम 26,500 यहाँ पे मैंने बाई किया हुआ था, हालांकि मैं बाई करना नॉर्मली प्रीफर नहीं करता हूँ, ऐसे माहौल में तो बिल्कुल प्रीफर नहीं करता हूँ, लेकिन जो माहौल बन रहा था, जो सिचुएशन बन रहे थे, जो सेटअप बन रहे थे, उसके हिसाब से एक सडन मूव दिख रहा था।
सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने ये बाय किया एंड मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था, क्योंकि बाय करने के दो मिनट के अंदर ही 37 पॉइंट्स का इसने गेन दे दिया था। सो मैं वहां पे अपनी प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे मैं बैंक निफ्टी के बारे में अपना व्यू जो है वो शेयर करता हूँ। बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में, जिसके बारे में हमने दो कल के वीडियो में बात किया था कि यहाँ पे आप सेल करके जा सकते हैं। सो हमने हिंडालको के बारे में बात किया था, हिंडालको में हमने बेरिश पोजीशन के सजेशन दिए थे। आप देख सकते हैं आज मार्केट गिरावट के साथ में बंद हुआ है। ऑरोफार्मा जो है, ऑरोफार्मा के अंदर में क्लियर कट गिरावट की बात हो रही थी। ऑरोफार्मा देखिए नीचे की तरफ गया है, इनफैक्ट ऑरोफार्मा थोड़ा और नीचे जाए तो बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। और इसके अंदर में लेट्स सी, अगर 431 तोड़ता है तो आपको लगभग 395 के लेबल्स देखने को मिल सकते हैं और फार्मा के अंदर में। टाटा स्टील हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल के टाइम पे जिस लेवल पे है ये अपने सपोर्ट के आसपास में था। सो 244 एक हमने बात मारा था, 250 के नीचे, 249 के नीचे जाएगा तो आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और जिस हिसाब से ये पोजीशन बना रहा है इसके अंदर में और भी नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेट्स से एक बार आपको 233 के लेवल्स भी इजीली आपको देखने को मिल सकते हैं, एक दो दिन में शायद ये पॉसिबिलिटी बनती। मेरे ख्याल से कल 233 का लेवल आ जाना चाहिए एसबीआई के अंदर में। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में दोस्तों। सो ये जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है 15 मिनट का चार्ट है, और आजकल कुछ ऐसे ही पैटर्न देखने को मिल रहे हैं क्योंकि गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, आपने देखा है मार्केट के अंदर में। सो उसी तरह से पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। एक वन डे, अगर हम डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट के अंदर में हम देख सकते हैं आज के दिन में एक ग्रीन कैंडल हुआ है। बढ़िया बात है। आज का डे का जो हाईलाइट होगा वो हाईलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। हाईलाइट ये है दिन का, ये कल हमने लेवल्स निकाले हुए थे। सो हाईलाइट अगर मैं बात करूं तो ये है कि हमने कल का जो लो पॉइंट था उस लो पॉइंट को हमने तोड़ा नहीं है। सो बेसिकली ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है कि कल का हमने लो पॉइंट तोड़ा नहीं है, आज उसी कैंडल के बीच में हम काम करते रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, हम कल का जो हाई लो पॉइंट था जहां पे हमने कल के दिन में क्लोजिंग दी थी उसके ऊपर हमने क्लोजिंग भी नहीं दी हुई है। सो अभी भी आपके लिए फिलहाल जो सपोर्ट है, सपोर्ट 10,344 के लेवल में ही दिख रहा है फिलहाल, जहां पे आज के दिन में ओपनिंग हुई यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ 10,504 एंड 10,706 इनके आसपास में आपको एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अब कल क्या हो सकता है, कल मार्केट के डाउन होने के चांसेस ज्यादा है, कल मार्केट के गिरने के चांसेस ज्यादा है। सो कल हो सकता है कि कल के दिन में हम 10,200 एक बार ट्राई करें। There is possibility कि कल हम 10,200 ट्राई करें। एंड कल के लिए सिंस कल एक्सपायरी भी है, सो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट नॉट टू कैच दी फॉलिंग नाइफ टुमारो, बिकॉज 10 अब जिस तरह से सेटअप है मार्केट का, जो फ्लो आ रहा है कल के दिन में, अगर जिस तरह से डाउ जोन्स ने गिरावट के साथ में ओपनिंग किया, अगर रिकवरी नहीं कर रहा है सो कल के दिन में आपको गिरावट के साथ में मार्केट में काम होते हुए दिखाई दे सकता है। सो 50 अगर 15 मिनट्स का एक बार चार्ट देखें, 15 मिनट का भी अगर आप चार्ट देखें तो कुछ ज्यादा मोटिवेशन ऐसा कुछ ट्रेडिंग दिन भर में नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जावे। हमने ना लो तोड़ा है कल का, ना हाई तोड़ा है, हमने उसी कैंडल के बीच में काम किया है। हमने इनफैक्ट कल की जो क्लोजिंग हुई थी उसके आसपास में हमने ओपनिंग की और उसी के आसपास में ही हम रह गए हैं बेसिकली। सो गिरने के चांसेस कल ज्यादा दिख रहे हैं, और अगर गिरेंगे तो हम कहां सपोर्ट मिलेगा ये हम ट्राई कर लेते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन में अगर बात करें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। पहले आज देखते हैं आज का काम किस हिसाब से हुआ है ऑप्शन चेन के अंदर में। सो देखिए आज प्लस में क्लोज हुए हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमें डिफरेंट स्ट्राइक्स पे अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है, और ये राइटिंग यहां से नजारत है। पुट साइड में राइटिंग नहीं है, कॉल साइड में राइटिंग है, यानी कल एक बार हम निगेटिव खुलने वाले हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए 26,28,000 का 11,000 पे है, कि तो टूटने से रहा, कल के दिन में तो बिल्कुल नहीं टूटेगा फॉर श्योर। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 19,07,000 का है, जो कि 10,700 है, चांसेस कम है टूटने के इसके भी। थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 17,76,000 के मिलेंगे, जो 10,800। इसके अलावा हर एक स्ट्राइक के ऊपर में आप देखिए, हर एक स्ट्राइक के ऊपर में 5,55,000 का राइटिंग, 6,00,000 का राइटिंग, 7,39,000 का राइटिंग, हर एक स्ट्राइक के ऊपर में आपको अच्छी एडिशन देखने को मिल रही है। यानी अगर ऊपर की तरफ चलते भी तो 10,500 आपके लिए एक बार रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, 10,500।
एक बार रजिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे भी लगभग लगभग 11,58,000 का ओपन इंटरेस्ट है, आज एडिशन भी अच्छा खासा हुआ है। अगर आप उसे तोड़ते हैं तो आपके लिए 10,600 एक बार प्रॉब्लम का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जर्नी बहुत इजी होने वाली है और आप सीधा ऊपर जाने वाले हैं। इनफैक्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कल डाउन मूवमेंट, सो डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएंगे। अगर पुट साइड में हम नीचे गिरना चालू करते हैं तो हमें सपोर्ट कहाँ मिलता है? पहला सपोर्ट हमारे लिए 10,400 पे है, सेकेंड सपोर्ट हमारे लिए 10,200 पे है एंड थर्ड सपोर्ट हमारे लिए 10,000 पे है। ये देखिए 10,000 पे सबसे बड़ा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है आपको, सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,400 पे है एंड देन 10,200 पे आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। एंड दैट्स वन रीजन जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कल हम 10,200 तक जाए। सो कल की जो रेंज मुझे समझ में आ रही है वो 10,200 से लेके, कल की रेंज 10,200 से लेके 10,500 के बीच की नजर आ रही है। मुझे लग रहा है हमारी जो क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग आपको 10,300 के आसपास में मिलनी चाहिए, लेकिन 10,200 हम कल के दिन में जा रहे हैं। बैड न्यूज कंटिन्यू आ रहा है, सो 10,300 के नीचे की अगर क्लोजिंग देंगे हम, एक्सपायरी देते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होना चाहिए हमें। सो रेंज जो हमारा है, जैसे मैंने बताया 10,200 से 10,500 का हमारा रेंज निकल के आ रहा है। अगर बहुत ही बड़ा कुछ बिग न्यूज आपको देखने को मिला, सो 10,000 के करीब भी हम जा सकते हैं। सो 10,500 यानी ऊपर की तरफ आपको 10,600 देखने को मिलेगा, ऐसा चांसेस नहीं है कल के दिन में। 10,500 आपका ऊपर लेवल का लिमिट है और 10,000 से 10,200 आपका नीचे का लेवल का लिमिट है। देखिए ये आपका निफ्टी के लिए रेंज हो गया। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सो बैंक निफ्टी का भी अगर हम कैंडल देखें तो हमें आज के दिन की ओपनिंग दिख रही है। मॉर्निंग में हमने नीचे ओपनिंग की, तुरंत कैंडल में हमने वहां से 15 मिनट के अंदर में हमने अच्छा खासा गेन दिखाया, फिर वहां से हमने करेक्शन दिखा के एक नैरो रेंज में हमने दिन भर काम किया हुआ है। ना ही कल का हमने हाई तोड़ा है, ना ही कल का हमने लो तोड़ा हुआ है, इनफैक्ट उसी कैंडल के बीच में हमारा काम होते रहा है। ये देखिए, सो ये हमने बीच में हायर लेवल्स बनाए तो थे, लेकिन वो हायर लेवल्स बाद में गायब होते नजर आए। इनफैक्ट बहुत ही वोलेटाइल डे था, और वोलेटाइल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको 50-50 पॉइंट्स के मूवमेंट 5-5 मिनट में देखने को मिल रहे थे, और वो आइदर साइड किसी भी साइड के मूवमेंट्स देखने को मिल रहे थे। ये कल भी एक्सपेक्टेड है, हाईली वोलेटाइल डे होने के चांसेस है। कल इसका भी गिरने का, बैंक निफ्टी भी गिरने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं कल के दिन में। सो ये कल हमने लेबल्स के बारे में बात किया था, 27,000, 26,840 एंड 25,984। ये लेबल अभी भी इंटैक्ट है, इनफैक्ट हमारा जो ट्रेंड लाइन है 25,880 पे हमें सपोर्ट की बात कर रहा है। somehow I am feeling कि कल के दिन में हम 26,000 टेस्ट करेंगे एक बार, और टेस्ट करके तोड़े तो भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी, एक बार ये टूटने के चांसेस बनते हैं 26,000 के। अगर 26,000 टूटा तो डेफिनेटली मैं 26,500 राइट करके चलूंगा, सेल करके चलूंगा मैं एक बार, क्योंकि एक बार 26,000 टूटा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट 26,200 के ऊपर आपको क्लोजिंग देगा। ये बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी का, एक बार इसको कन्फर्म करते हैं हम चार्ट के ऊपर, माफ करिएगा ऑप्शन चेन के ऊपर, मैं एक बार कन्फर्म करने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी, लेट्स ओपन बैंक निफ्टी, 12th मार्च कल का दिन, और अब ये आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट। सो अगर मैं बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खोजने जाऊँ कॉल साइड में, तो मुझे 6,76,000 का हाईएस्ट ओपन नजर आ रहा है, जो कि 27,000 पे है। सेकेंड जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा नीचे आ जाइए, 5,89,000 का है। थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 5,03,000 का है एंड ये 28,000 पे और 27,500 पे देखने को मिल रहे हैं। सो अगर आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो 27,000 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज दिन भर में हमने देखा 26,700 के ऊपर आते ही रेजिस्टेंस का काम होना चालू हो गया था, और वहां से हमें बिकॉली दिख रही थी। कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो देखिए 3,68,000 का है, विच इज ऑन 26,000 एंड 3,36,000 है, जो आपका 25,000 के ऊपर में है। जिस हिसाब से सेटअप है 26,000 जैसा मैंने बोला टूटते हुए नजर आना चाहिए। राइटिंग देखिए, आपको बढ़िया राइटिंग देखने को मिलेगी। राइटिंग देखिए आप 1,09,000, 1,62,000, 3,60,000, 1,30,000 एंड यहाँ पे आप देखिए काफी दूर तक आपको 1,00,000 का कोई फिगर ही नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जो क्लोज फिगर है वो 95,000 का है। सो 1,62,000 का राइटिंग हुआ 26,000 पे, लेकिन डाउ जोन्स ने 800 पॉइंट नीचे की गिरावट दी है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल बैंक निफ्टी भी टूटेगा। बैंक निफ्टी निगेटिव ओपनिंग कल के दिन में आपको
दे सकता है, कल के दिन में नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है। सो रेंज क्या बनेगा इस चक्कर में, अगर रेंज मैं देखू तो मुझे 26,500 से लेके 25,500 का रेंज समझ में आ रहा है, 26,500 से 25,500 का रेंज में जा रहा है। एंड लेट्स से हो सकता है एक्सपायरी आपके 26,000 के नीचे हुई ही हो, ओपनिंग नेगेटिव होगी। अगर रिकवरी होती है तो स्ट्रेंथ की बात है, बढ़िया चीज है। अगर रिकवरी नहीं होती है तो आपको 26,000 के नीचे ही आपको देखने को मिलेगा एक बार बैंक निफ्टी एक्सपायरी। सो कल के लिए मैं पूरा बैरिश होके जा रहा हूँ, और ये बैरिश होने के पीछे मैं आपको फिर से एक बार रीजन बता देता हूँ। डाउ जोन्स की मैं बात कर रहा हूँ कल के लिए, डाउ जोन्स जो अगर डाउ जोन्स रिकवर करता है, अगर डाउ जोन्स रिकवर करता है तो डेफिनेटली हमारी क्लोजिंग अच्छी होगी। लेकिन रिकवर अगर नहीं करता है, ये सब्जेक्ट करता है इस चीज पे, अगर रिकवर नहीं करता तो डेफिनेटली हम फिर से कल एक बढ़िया रेड कैंडल देखने वाले हैं कल के दिन में। बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट स्टॉक्स जिसके ऊपर हमने कॉल लिया हुआ था आज के दिन में। कल के दिन में कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर काम किया जा सकता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट विच इज चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस की अगर हम बात करें तो चोला फाइनेंस के अंदर में गिरावट देखी जा रही है। इनफैक्ट अगर आप इसे देखें, सो हम कुछ दिन से इसे ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं, चोला फाइनेंस के अंदर में जो गिरावट है वो थोड़ी डीप हो सकती है, गिर सकती है। और सिंस मैं इंडेक्स पे बेरिश हूँ, इसके लिए मैं चोला फाइनेंस पे भी बेरिश व्यू लेके चल रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा सारे जो भी मैंने अभी तक जो आज के लिए हमने स्टॉक निकाले हुए उसमें मेरा बेरिश व्यू ही है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको एक दो दिन के अंदर में चोला फाइनेंस 238 के लेवल्स भी दिखा सकता है। सो ये आप 243 से लेके 238 का एक रेंज बन के आ रहा है चोला फाइनेंस के अंदर में। लेट मी राइट इट हियर सो दैट यू नो वो लेवल हमें कल अगर हम डिस्कस करें तो हमें समझ में आ जावे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 238 का लेवल है, 243 ये लेवल के बीच में आपको देखने को एक बार मिल सकता है चोला फाइनेंस। टाटा स्टील बैरिश, अच्छा कैंडल, रेड कैंडल आप देखिए, बहुत बड़ा बिग रेड कैंडल बनाते हुए दिखाई दिया हमें टाटा स्टील। और ये टाटा स्टील के अंदर में कल हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट गिरेगा, अब सिंस टाटा स्टील में गिरावट जारी है सो अभी भी गिरावट बने रहने की पूरी संभावना बनती है। और एक बार आपको यहाँ पे रिवर्सल अगर देखना है तो रिवर्सल 270 के आसपास में आपको एक बार मिल सकता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि टाटा स्टील आपको एक बार 270 के लेवल्स दिखाए कुछ दिनों के अंदर में, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके अंदर में, और 270 का लेवल रख के काम किया जा सकता है टाटा स्टील के अंदर में। माइंड ट्री ने सपोर्ट लिया है, ठीक है, ये सपोर्ट अच्छा है। आपको माइंड्री के अंदर में अगर ट्रेड करना है तो दो चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी। पहला आपको देखना पड़ेगा रुपी और डॉलर में क्या हो रहा है, अगर रुपी अगर गिर रहा है तो आप माइंड्री बाय करके जा सकते हैं, माइंड्री फिर पॉजिटिव रहेगा इन दैट केस। और अगर रुपी के अंदर में आपको ऊपर देखने को मिल रहा है तो माइंड्री विल बी निगेटिव इन दैट केस। अगर निगेटिव हुआ भी तो भी कहां तक आने के चांसेस बनते हैं आई फील ज्यादा इसके अंदर में तो नहीं दिख रहा है। 850 के लेवल्स आपको एक बार देखने को मिल सकते हैं। सो 904 पे हम हैं तो यहाँ से 50 रुपए नीचे का एक बार आपको मौका मिलता है माइंड्री देखने के लिए। सो एक रुपए पे ध्यान रखना है, अगर रुपए गिर रहा है सो माइंड्री भी आपको गिरते हुए नजर आएगा उस चक्कर में। PVR भी एक ऐसा स्टॉक है जिसको हम काफी दिन से ट्रैक कर रहे हैं, एंड PVR के अंदर में अगर आप देखें तो गिरावट हो रही है। PVR आई फील हमने कुछ 1744 से ट्रैक करना चालू किया था, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये गिरेगा। फिलहाल PVR के अंदर में जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसकी वजह से एक चीज समझ में आ रहा है कि PVR ने अपने जो बेस थे, जो सपोर्ट थे, उन सपोर्ट को कंटिन्यू तोड़ा हुआ है, एंड ये सपोर्ट और टूटने के चांसेस बनते हैं। सो अगर ये और नीचे जा रहा है तो आप स्विंग ट्रेडिंग अगर ले रहे हैं या 1350 का एक बार लेवल रखिए इसके अंदर में, या कल के दिन में अगर सोचे कि कल के दिन में क्या हमें लेवल मिल सकता है। सो PVR अगर कल के दिन में गिरावट दिखाता है सो कल के दिन में आपको 1430 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्राडे, कल के दिन में 1430 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दो स्टॉक जिसके बारे में हमारे एक फ्रेंड ने एक रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर में क्या व्यू बनता है, उस व्यू के बारे में बात करते हैं। एक पहला है ITC एंड सेकंड है कोल इंडिया। फ्रेंकली स्पीकिंग ये दोनों स्टॉक्स बराबर नहीं लगते हैं मुझको। ITC के बारे में मैं बात करूं, ITC गिरावट पे है और ITC और गिर सकता है। अगर मैं ITC के सपोर्ट के बारे में बात करूं, ITC के अंदर में सपोर्ट कहां है, तो ITC के अंदर में आपको 170-175 जाके नीचे की तरफ जा रहा है, तो 170-175 पे आपको सपोर्ट नजर आएगा, और ऊपर की तरफ 180 पे बढ़िया रेजिस्टेंस है। मैं बात कर रहा हूं इस लेवल की,
180 के पास में आपको यहाँ पे बढ़िया सपोर्ट देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सो अगर आप ऊपर की तरफ जाते भी हैं तो आपको 180 के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं ये सीरीज के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, अगर मार्केट पूरा रिवर्स हो जाता तो डेफिनेटली आप फिर वहां पे 185 तक के लेवल्स देख सकते हैं, लेकिन 185 भी एक आपको बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू फिलहाल इस पे बेरिश है। आई डू नॉट हैव एनी स्टॉक ऑफ आईटीसी और मैं आईटीसी के अंदर ट्रेड नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आईटीसी नीजर्क रिएक्शन दिखाता है कभी कभी न्यूज को। सो आई फील मैं इसके अंदर में मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और कभी कभी इसके अंदर में आपको जो लिक्विडिटी थी कभी कभी प्रॉब्लम होते हैं लिक्विडिटी के। सो मैं इसमें ट्रेड करना इतना प्रिफर नहीं करता हूँ, बट मेरा व्यू इसके अंदर में बेरिश ही है। एंड अगर सपोर्ट की बात करें, इसे सपोर्ट नीचे जाते समय कहाँ मिलने वाला है, सो देखिए काफी नीचे हमें जाना पड़ा है, काफी पीछे जाना पड़ रहा है। सपोर्ट आपको 168 से 165 के बीच में एक बार सपोर्ट नजर आ सकता है आईटीसी के अंदर में। लेट्स टॉक अबाउट कोल इंडिया। कोल इंडिया ने आज के दिन में अच्छा मूव दिखाया है, लेकिन ये मूव सस्टेन कितना करेगा इसके ऊपर में देखना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से ये मूव सस्टेन नहीं करेगा, ये मूव सस्टेन नहीं करने वाला है। और कोल इंडिया ने जो लेवल्स आपको दिखाए थे कल के दिन में, जो लेवल्स आपको देखने को मिले थे, I'm talking about 158 का, वो लेवल्स आपको फिर से कल के दिन में एक बार देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट नेगेटिव रहा तो। लेकिन अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो आप जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर जाते हैं उसी तरह से रेजिस्टेंस कंटिन्यू बढ़ता जाता है। एनी हाउ 170 के ऊपर का मूव मैं नहीं देख रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि कोल इंडिया आपको 170 के ऊपर का मूव फिलहाल इमीडिएट दिखाने वाला है। हाँ, मार्केट रिवर्स हो रहा है तो देखेंगे, लेकिन मार्केट जिस हिसाब से काम कर रहा है ये इनफैक्ट ये लो भी तोड़ने की तैयारी रख रहा है और ये 155 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। सो इवन ऑन कोल इंडिया माय व्यू इज बेरिश। सो दोस्तों ये हो गया हमारा आज का स्टॉक के बारे में डिस्कशन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन। और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके वजह से आपको मार्केट के अंदर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का लेबल्स मिलते हैं, अनबायस व्यू मिलता है और हमारे इंटरडे ट्रेड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने किसी स्टॉक में कोई पोजीशन बनाई है उसके ऊपर आपको कोई व्यू चाहिए तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, उसके ऊपर हमारा जो भी व्यू रहेगा हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।